हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आपने देखा मैं 5:30 उठ जाती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मेरा रूटीन है कि मैं पानी पीती हूँ, एटलीस्ट आधा लीटर या उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं पानी पी रही हूँ बहुत सारा, धीरे धीरे करके। उसके बाद मैं नहाकर आ रही हूँ और अपनी चोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाऊँगी अभी। आपने देखा मैं यूनिफॉर्म में हूँ और दो चोटी बनाऊँगी मैं, तो आप देख सकते हो सुबह सुबह। और नींद में, मतलब मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ तो मैं इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग में मतलब बोला नहीं है। और घर पे सब सो रहे थे, इवन मम्मा, कुणाल सब सो रहे थे क्योंकि कुणाल का टाइम मेरे से बाद है। तो ठीक है, चोटी बना रही हूँ मैं। और मेरे को इतनी ज़्यादा परफेक्ट आती नहीं है, पर मैं मम्मा को परेशान नहीं करती, खुद बना रही हूँ। सो ये मेरी चोटी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मम्मा उठ गए थे तो मेरे लिए चाय बन गई है। मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ कि नहाने के बाद मैं अच्छे से फेस वॉश से अपना मुंह साफ़ करती हूँ। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो चाय पी रही हूँ मैं, मतलब मैं चाय पीती हूँ, मतलब बचपन से हम लोग की आदत है, या तो चाय बिस्किट खा लेती हूँ, पर आज मेरा चाय का ही मन था तो वो किया मैंने। और अब हम करेंगे हमारा स्किन केयर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? दोबारा क्यों बोल रही हूँ, मैंने वॉइस ओवर में बोल दिया होगा शायद ये, पर ठीक है। तो मैं मुंह धोकर आई हूँ, अब हम करेंगे हमारा स्किन केयर। इधर मेरे घर वाले सो रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कैसे सुबह व्लॉग बना रही हूँ क्या। आज मैं ऐसी व्लॉग बना रही हूँ कि व्हाट आई डू इन अ डे या व्हाट आई डिड इन अ डे। टाइम हो गया, ओह 7 बज गई। आई रियली नीड टू डू फास्ट। मैं चुन्नी लाई इसकी है मम्मी, अलमारी में तो नहीं मिली। तो गाइस, अभी अभी का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही थी और मेरा फ़ोन निकल के धम, और ये मेरी चुन्नी। कल एक बात बताती हूँ। कल है ना, मैं लंच कर रही थी तो फिर ये चुन्नी बार बार ना नीचे गिर रही थी। तो मेरी क्लास की बेंचमेट है ना, वो आके बोलती है ये आपकी चुन्नी बार बार नीचे गिर रही। तो मैंने कहा इसी को चुन्नी से पीछे खींच के मेरा गला ही दबा दे, दुखी हो गई मैं तो। अरे क्या, ये कैसे जाता है? करके जाती नहीं, ऊपर से दिखा दी। अभी कर लेती हूँ। मैंने ऐसे कहा ना, वो सब पीछे उसने लग गए। तो सब कुछ समेट के दे दिया, उसके बाद भी तेरे से संभल नहीं रही। हाँ नहीं संभल रही। ये पता नहीं ऐसे कौन करके आती है एक लड़की, कितनी चीप लगते हैं फिर। तो दोस्तों, स्कूल के लिए मैं निकल चुकी हूँ और ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के बाद मेरी स्कूल आने वाली है। तो लिफ्ट में क्या 4-5 लोग खड़े थे ऑलरेडी, तो मैंने सोचा यार अच्छा नहीं लगेगा सुबह सुबह ऐसे रनिंग क्यों लगा रही है। तो मैंने सोचा बात तो बोलते हैं। तो वैसे इट्स वेरी रिस्की, बट ये खाली रोड है इसलिए मैंने यहाँ आके स्टार्ट करा। तो हम लोग चलते हैं और अभी एक इंसिडेंट बता दी सामने लड़कियों को जाने। तो भाई मैंने अभी अभी एक लड़के की ईगो हर्ट कर दी, मतलब वो भी स्कूल जा रहा था, मतलब मेरे स्कूल का नहीं था पर वो स्कूल जा रहा था, तो मैंने उसके पास में से निकल के आगे चले गए। तो मेरे को पता था इसकी ईगो हर्ट हुई और ये मेरे आगे से जरूर जाएगा, तो मैं उसके आगे आगे चले, तो वो यू टर्न लेके फिर आगे से गया। मैंने कहा बेटी ईगो हर्ट हो गई तेरी। तो गाइस हम लोग अब चलते हैं, मैं आती हूँ आपसे वापस, मतलब मैं वापस आके आप लोग से मिलती हूँ, फिर हम लोग बातचीत करेंगे और आज का पूरा डे आप लोग से शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ। गाइस तुमको कुछ दिख भी रहा है? तो ऐसा है कि हमारे मंगते स्कूल में दिख तो रही हूँ ना, हाँ मंगते बिल्डिंग वालों ने पहले पंखा खराब हुआ तो वो भी नहीं सही कराया और अब लाइट खराब हो गई, तो 3 दिन से वो भी सही नहीं, इसलिए मैं सुबह भी नहीं बना पाई थी। तो गाइस अभी बात ऐसी है कि मैं आ चुकी हूँ घर, हमारा घर वाईफाई खराब हो गया तो वो वाले भैया अभी तक पहुँच चुके होंगे, पहले उससे करेंगे फिर देखते क्या क्या होता है। कितनी जल्दी जल्दी बोला मैंने, सब रोशनी आ गई। तो भाई घर पे आते ही घमासान यूं हो गया,
क्योंकि लाल मम्मी मेरी एक ही काम बोल के गई थी और पूरे दो दिन से एक ही काम बोल रही, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करा इसलिए मैं बात नहीं कर रही। दो घंटे हुए और मैं खा रही हूँ बीड़ी बना के। इसको भी हम बोलते हैं हम बीड़ी बना के खा रहे हैं। और ये है रात की दाल की बनाई हुई पूड़ियाँ जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाई है। नया खाना भी नहीं बनाया है। और मैं नाराज पड़ी थी इसलिए कुणाल मेरे लिए ग्लूकोन डी बना के लाया है। और अभी वो बालकनी में गया हुआ है क्योंकि वाईफाई वाले भैया आए हुए हैं। हमारा वाईफाई कुछ एक महीने में रोज खराब हो जाता है, तो फिर वो भैया छत पे गए हुए और वहाँ से तार फेंक रहे हैं। हर एक महीने में वो उसका रूटीन है, रिचार्ज कराएंगे ना तो वो चार पांच दिन खराब हो गए ही होंगे। लेकिन आज मैं इतनी चालाक हूँ, मैंने भैया का नंबर ही ले डाला इसलिए मैंने उनको सीधा कॉल कर दिया आने के लिए, क्योंकि जियो वाले चार दिन बाद का अपॉइंटमेंट लगाते हैं। तो तो मैं तुमको दुख गिनाने बैठूंगी तो तुम रो दोगे, बोलोगे डोनेशन के लिए क्यू आर कोड दे दो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। और अभी तो कुणाल के लिए कुणाल को जिद और करनी पड़ेगी कि मेरी वीडियो बना, क्योंकि वो कम से कम दो घंटे पहले नाटक करता है फिर जाके कहीं वीडियो बनाता है, वो भी रो रो के। तो आज सबको सब दिखाएंगे। चल बोल गाइस, देखो ये एक्सटेंशन भी मैंने ही बनाया है और ये जो दीदी की पुरानी जो टूटी हुई लाइट थी उससे मैंने क्या बनाया, हमने रिसाइकल कर लिया वो भी चार्जर से। वैसे था तो ये पहले भी चार्जर से ही, लेकिन फिर पहले उसके सारे सिस्टम भी थे ना, वो रिमोट वगैरह अब नहीं है, फेंकने के लिए रख रखी थी। मैं ना अभी देखो अलमारी के ऊपर पड़ी थी, मैंने इसको दोबारा बोलना, अलमारी के ऊपर पड़ी थी, अलमारी के ऊपर वैसे हाथ से देखो क्या, तो मैं ऐसे ना ऐसे फेंकने के लिए लाया था। अब इसको कवर करके दे, गोल्डन अच्छी लग रही कि वाइट, पहले कवर करके दे हल्का सा वाइट में रख और फिर ये कवर लगा के दे गोल्डन। और गाइस आपको देखो एक चीज दिखाते हैं, ये मेरी बैटरी, अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो ये वाइट होगी, ऐसे करूंगा एकदम कूल है, ऐसे करूंगा तो गोल्डन आएगी। ये गर्म लगती है और ये से कूल लगती है। कौन सी लगी है? हमारा इंजीनियर कुणाल, इसने लॉकडाउन में और भी बहुत सारे आविष्कार किए। तब हम तब मैं ना दीदी ने पुराने उसमें डालूंगी एक्सटेंशन, कभी भी एक प्लग का एक्सटेंशन बना, मैंने बनाया है मैंने कुणाल बना देता हमारे के प्लग। ये क्या बनेगा? मैकेनिकल इंजीनियर, माय ड्रीम इज टू बिकम मैकेनिक। फिर अब उस घड़ी वाली, लेकिन उसको तो मैंने चिपका दिया, खुल जाएगी वो, ग्लू गन ही तो है, फिर उसमें भी लाइट चमकेगी, लेकिन उसके लिए कोई लीड चाहिए, लीड है अपने पास। उस दिन बोलता ना मैं कचरे में इतना सारी फेंकी, मैं पूछती हूँ ना कुछ काम आएगा जब बता दिया करो, नहीं तो फिर कचरे में जाता। वह कर दूँ बंद? हाँ कर दे। टेंशन रख दूँ क्या? हाँ रख। हाँ ये देखो गाइस, फाइनली फाइनली बन गई। हाथ पहनना, वो जोकर वाली वीडियो बना। रुकी रुकी, ये लेती हूँ थंबनेल, वापस वापस दिख तो रहेगा। ये देखो हम बन गए जोकर, थोड़ी छोटी है यार, सर पे लगती है, बट नहीं कोई बात नहीं। और हमारे पास एक और है, क्रिएटिविटी की दुकान है हमारे पास। क्या बात है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी प्लेट बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को बनाने का मन नहीं है। अच्छा चलो बढ़िया। तो गाइस मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो रही हूँ, मैंने भी सिर्फ ये इयर रिंग्स और मेरे ये कुर्ता पहना है, रुको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आज बनाई चोटी और इयर रिंग्स, और अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा मेकअप, मतलब मेकअप मैं फेस पे लगाऊंगी क्योंकि देखो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। देखो भाई इतनी ख़राब नहीं थी पहले, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरी स्किन में इतना ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता था, ये बहुत ज़्यादा अब हो रहा है। ये देखो एक दो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने लिए। मैं ना आज एक ट्यूब लेकर आऊँगी अपने पिम्पल्स के लिए, अगर मैं 7 दिन में उसको लगा के देखूँगी अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर के जाऊँगी। मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे फेस, मतलब मैं बहुत केयर करूँगी अपनी फेस की और अभी भी करती हूँ। तो अभी तो रेडी होते हैं क्योंकि मैं सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर लगाऊंगी, तो फेस का कुछ लेना देना है नहीं। तो अभी तो रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऊपर। ऊपर बोले तो छत पे हो, ऊपर नहीं,
ऊपर, इससे एक फ्लोर ऊपर। तो गाइस ये है हमारी फेवरेट वाली जगह जहाँ पे फिर से अभी धूप आ गई है। हम छांव देख के ऊपर आते, फिर से धूप आ जाती है। कितना स्ट्रगल है ना भाई, जल्दी करना, 15 ये चार्ज। हाँ चल रहे। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, एक तो वो सामने वाली जगह और एक है वो कोना। और आजकल मैं कहीं बाहर जा भी नहीं रही हूँ रील्स के लिए, तो हम सोचे इसे छत पर बना लिया करते हैं, क्योंकि वायरल होने वाली रील तो कहीं पर भी हो जाती है नहीं, इसलिए यहाँ पर बना लेंगे हम। और दो, अरे वहाँ पे क्या हो गया, अपना ही तार है ना वो वाईफाई वाला। हाँ। चल ठीक है, वहाँ नहीं बनाएंगे आज, आज यहाँ। और अगर धूप चली गई 10-15 मिनट में तो वहाँ, और पहले हम वहाँ बनाते थे। दो चार रील्स मेरी वहाँ की भी वायरल है, पहले उस कोने पे ना वो थे, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे पर वो जिनके थे वो उठा के ले गए, तो अब यहीं बना लेंगे। चलो जल्दी से चलो, मज़ा नहीं आ रहा लोकेशन पे, मतलब धूप आ रही है तो फिर अच्छी वीडियो बनती नहीं क्या मतलब, इसलिए हम नीचे जा रहे वापस और 15 मिनट के बाद आएंगे ताकि ठीक ठाक हो जाए मतलब मौसम। धूप चल, अरे यार पता नहीं क्या नाटक चल रहा है धूप के भी, आ रही है जा रही है, आ रही है और जा रही है। अब देखो तुमने वहाँ क्वालिटी का फर्क देखा और यहाँ देखो, ये ग्लोइंग स्किन ग्लो तो हो रही है लेकिन ये देखो धूप आ रही है, देखो अच्छी नहीं बनेगी। फिर हम 10-15 मिनट बाद वापस चले जाएंगे। क्या राधे राधे रोटो चले आएंगे, जा रही हूँ भजन करने। ये बुढ़िया भजन करने जा रही है, क्यों मैं गायक कलाकार हूँ। ओ ये गायक कलाकार है, कौन सा भजन, राधे राधे रोटो बोल दे, लिखवा रहे और चार लगा देना इसको 15 मिनट, फिर चलते हैं अपन। ठीक है। तो गाइस ये है फिल्टर वाली जिंदगी और अब दिखाते हैं आपको आम जिंदगी। ये है अपनी आम जिंदगी, तो अच्छी कौन सी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई ये साइड अच्छी है या ये साइड मेरे फेस की, ऑब्वियसली ये क्या हुई, चले अब धूप है। हाय गाइस वेलकम बैक। तो देखो ये अभी कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट मिस कर दिया हमने क्योंकि हम लोग वहाँ वीडियोस बनाकर आ गए, और अब दोबारा वीडियोस बनाने को बोलूँगे तो ये हमारा कुनाल यहीं से कूद जाएगा। ये बेचारा सुसाइडियल थॉट्स आने लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जोर आता है वीडियोज़ बनाने में। पर अभी देखो कितना बढ़िया मौसम, कितना बैकग्राउंड, मेरे बाल बाल कितने शानदार आ रहे हैं। लेकिन अब ये कुछ नहीं चाहता है, ये सिर्फ इतना चाहता है कि मैं इसको पता से खिला दूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। इधर आ तो इधर आ। और गाइस इसने दो फोटोज़ ली मेरी वीडियो बनाते बनाते, मैं यहाँ वो यहाँ पे डालूँगी, देखना अभी बहुत खतरनाक एकदम सिस्टम वाली फ़ोटो, देख लेना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर दे क्या, अभी तो मेन काम बाकी है, स्ट्रगल हेयर स्टाइल वगैरह, हेयर स्टाइल क्या होमवर्क, सॉरी होमवर्क करेंगे अभी हम। इसको पहले पता से खिला के लाते हैं, नहीं तो ये अगली बार से वीडियो नहीं बनाएगा और मेरा इकलौता सहारा है ये मेरी बेटी। तो चलो हम चलते हैं, मैं एक दो लिपसिंग वीडियोस तो बना लूँ यार, इतना अच्छा बैकग्राउंड है यार, ठीक है ना यार। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अरे अनहेल्दी खाना जो कि है पता है, लेकिन इसको मैंने अनहाइजीनिक की जगह हाइजीनिक खिलाई है, अच्छी है पक्का। और मैंने तो भाई लिया है पाइनएप्पल जूस सबसे बेस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी सफ़र कर रही हूँ पिम्पल्स से, तो मैंने सोचा नहीं चाहिए। और हाँ कुनाल ये लगवा कर आया है ब्रांड न्यू टेम्पर, सही है, खुश हो आप? तो भाई जूस वूस ख़त्म करते फिर भाई चल रहा है, पब्लिक रिएक्शन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा, दिखाऊँ क्या आप लोग। क्या हो गया नोज में से, कुछ निकल गया, कुछ निकल गया, भाजन भाजन चल रहे हैं, मम्मी मस्त गा रही है और हम तो आ गए भाई निकल के, क्योंकि मेरे को ना आते हैं और मतलब ठीक है मुझे यहाँ का इतना है नहीं पसंद, और हम नहाए हुए भी नहीं हैं आज क्योंकि मैं कल रात को नहीं थी,
और मैं भी कल रात को नहीं कल शाम को नहीं। तो वही मैं अब जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, मैंने स्किन केयर करती हूँ थोड़ा, और हमको हमारा होमवर्क करना है, वो गलत चेक करना है। आज तो गोली दे दी मैम को, गोली दे दी कि मैम, अरे नहीं एक्चुअली हुआ ना क्या, मैंने हाँ मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड जो बेंच पे बैठती है, जो मेरी जगह बैठती है ना, वो भी अपनी कॉपीज देकर गई थी, तो मैंने अपनी कॉपी देकर, मतलब अपनी कॉपी रखकर उसकी कॉपी चेक करा दी ये बोलकर कि ये मेरी कॉपी है। तो मैं इतनी चालाक निकली और मैम मान भी गई। तो अब मेरे को कल अपनी असली कॉपी चेक करानी पड़ेगी, दो डंडे खा के, दो जूत खा के। तो इससे पहले कि व्लॉग 20 से 25 मिनट का हो जाए एक ही दिन का, इतनी बकबक ना करके करती हूँ मैं चेंज। चलो कहाँ लगी पैर पे। मैं आ चुकी हूँ मुंह धोकर, कुछ ऐसा मेरा हाल हो रहा है मुंह का भाई, मेरे को डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और यार मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे को वो मेडिकल से क्रीम लानी थी, कल लेकर आएंगे स्कूल से आते आते। और आज मैं तुमको सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, होमवर्क वगैरह फिर है ना, तुम फिर कल के व्लॉग में क्या देखोगे। अब से मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से वापस बनाऊं, जो कि मुझे नहीं लगता सफल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी देखो। ठीक है, तो मैं अभी करने वाली हूँ अपने फेस पे आईज। देखो मैं रोज़ नहीं करती, तो शो ऑफ नहीं करूँगी कि मैं इसको रोज़ करती हूँ, जब मेरे को टाइम मिल जाता है या जब मेरे को याद आ जाता है मैं तब करती हूँ। और ये मैंने मीशो से मंगाया था 50 रुपये का, वो भी 40 रुपये डिलीवरी चार्ज देकर, देख रहे हो, दो के पैसों में एक मंगाया मैंने। तो मैं करूँगी आइसिंग। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो मैं यूट्यूब पे देखे थे, जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को है कि ये करना है, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। इसके शायद कुछ बेनिफिट्स होते होंगे, इससे स्किन टाइट होती है और ये पिंपल्स वगैरह में ये हेल्प करता होगा थोड़ा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हो, मेरा मुंह बंदर जैसा लाल हो गया है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में। और ये वाला वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा, जैसे आज एक अगस्त है, तो ये 2 अगस्त को ही अपलोड हो जाएगा। ये मेरा ऐसा पहला वीडियो होगा जो 2 अगस्त को ही अपलोड हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।